सीतामढ़ी जिले के ज़्यादातर स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में देखा गया है कि जितने भी महादलित वर्ग के बच्चे हैं वह अपनी छात्रवृत्ति सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के संजय ढांगर एक महादलित और अति गरीब है। उनकी अपना परिवार के बोझ, घर माता पिता के बोझ तो है ही है, लेकिन उनके पति, उनकी वैवाहिक जीवन और उनके बच्चे का भी उनके ऊपर भार है। बड़ी कष्ट से इतना तक अभी बीए तक पढ़ चुके हैं और कॉलेज में हम लोग स्टाइपन भरते हैं तो कॉलेज बोलते हैं अभी तक स्टाइपन नहीं मिल पाए हैं। बीए सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को भी नहीं मिला है अभी तक। और बोलते कॉलेज में जाते हैं तो बोलते कल्याण विभाग जाइए, कल्याण विभाग में 25 बार 50 बार लगभग चले गए, वहाँ बोलते हैं आप कॉलेज में जाइए। और कल्याण विभाग भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, पटना आप जाइए कल्याण विभाग में, वहीं आप वहाँ से पूछपाछ कीजिए, यहाँ नहीं कोई पूछने आई है। और यहाँ वहाँ से झाड़ कर हम लोगों को बिलगा देते हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग तो वहाँ से झाड़ के कारण कॉलेज में आते हैं, कॉलेज बोलते फिर कल्याण विभाग जाइए। लेबर जन मजदूरा में भी कमा कर हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और करते भी हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग सोचते जब तक जॉब नहीं हो तब तक हम लोग पढ़ाई कैसे ही हो, कैसे करते उड़ते में हम लोग इतना तक कर चुके हैं। अब देखिए कल्याण विभाग ने क्या किया है, 2014-15 का एससी का पैसा नहीं भेजा है, न दिया है। एससी वालों के साथ एक परेशानी क्या हुई कि 2015-16 में जो डेट मुकर्रर किया गया, एक ही डेट दिया गया, उस डेट के बीच में क्या हुआ कि मैट्रिकुलेशन का एग्जाम का डेट पड़ गया, उसमें एक सप्ताह तक कॉलेज बंद रहा, कोई भी कॉलेज। उस बीच में इंटर का भी एग्जाम पड़ा, उसमें 10-11 दिन तक कॉलेज बंद थे, उस बीच में बच्चों का काम नहीं हो पाया। सिंपली 2015-16 में 328 बच्चे मेरे कॉलेज से फॉर्म फिल कर पाए हैं स्कॉलरशिप के लिए, जबकि संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कहते हैं कि आप कॉलेज को चेक जाएगा, आपको पेमेंट करना है वहाँ बाई चेक, अलग अलग विद्यार्थियों को। फिर कभी कहते हैं कि नहीं पटना जोन से ही पैसा ट्रांसफर होगा बच्चों के अकाउंट पर, फिर एक बार कहे कि नहीं वो सिस्टम नहीं हो पाएगा, हम आप ही को चेक नहीं करेंगे। इस तरह की बातें चल रही है करीब करीब एक साल से। किसका पैसा आपने सैंक्शन किया, किसका पैसा आपने अनसैंक्शन कर रखा है या पेंडिंग में डाल रखा है, किसी प्रकार की कोई सूची तो हम लोग उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसी से समझिए ना कि इस बात की भी जानकारी हमको नहीं दी जाती है, महाविद्यालय को नहीं दी जाती है कि कब से बच्चे का फॉर्म फिल होगा, कब से कब तक डेट होगा, इसकी एक जानकारी नहीं दी जाती है, तो और क्या उम्मीद करती हैं। फिर भी हम लोग उनके लिए पिंड नहीं छोड़ रहे हैं, जो जैसे होगा वैसे लेकर ही रहेंगे, या जो करना हो हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग पढ़ाई इतना किए हुए हैं, हम लोग यही बांस का डगड़ा उगड़ा बनाकर अभी तक कर रहे हैं, पारिवारिक है। इनको जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले, इसलिए मैं जिला कल्याण विभाग के कर्मचारी, उनका नंबर है 8083679468 पर, इस नंबर पर फ़ोन करके उनकी छात्रवृत्ति दिलवाने में दबाव डालें और उनकी मदद करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।